नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल मनीष सुन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज 12 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट में लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वे ऑफ और लोन रिस्ट्रक्चरिंग के अगेंस्ट जो 22 से ज्यादा केस लगे हुए थे उनके ऊपर बहुत बड़ी अपडेट आने वाली है और जो अपडेट है वो बहुत ही जल्दी आ भी सकती है। लोगों का इंतजार इधर खत्म हो सकता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने लोन ईएमआई मोरेटोरियम एक्सटेंशन के ऊपर अपना फैसला ले रखा है, बल्कि उसको सिर्फ सुनाना ही बाकी है। लेकिन अब इधर जंग छिड़ चुकी है एनपीओ को लेकर, नॉन परफॉर्मिंग एसेट को लेकर, क्योंकि जो बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक एसोसिएशन है और जो जितने भी एनबीएफसी कंपनी है, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एफएसआर रिपोर्ट जो पिछले वीडियो मैंने आपको बताई थी केंद्र को और सुप्रीम कोर्ट को भेजी थी, जिसमें मेंशन किया गया था कि जो लोन का एनपीए की कैटेगराइजेशन है लगभग 22% तक पहुंच चुकी है और अगर ये जो एनपीए के ऊपर जो एंट्री मोड है अगर इसको कैंसिल नहीं किया जाता है तो 1 या 1.5 महीने के अंदर ये 25% से ज्यादा क्रॉस हो जाएगी। इसी को देखते हुए बैंक और एनबीएफसी कंपनी साथ में इंडियन बैंक एसोसिएशन ने दोबारा से फिर रिक्वेस्ट की है एनपीए को लेकर सुप्रीम कोर्ट को कि 31 मार्च 2021 से पहले जो एनपीए के ऊपर रोक है वो खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर अभी स्टार्ट हो रहा है और हम एनपीए को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एनपीए लगातार बढ़ता ही जा रहा है, 22% तक हो गया, आगे 25% तक जाने की इसकी उम्मीद है और जितने भी लोन है हम लोग इसको क्लासिफाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ एक और जो नई जिंग छिड़ चुकी है जिसमें इंडियन बैंक एसोसिएशन, एनबीएफसी कंपनी, इनका कहना है कि जब एनपीए के ऊपर जो सर्कुलर है 31 मार्च 2021 से पहले जब हटेगा तो जो एनपीए की कैलकुलेशन है वो 1 सितंबर 2020 से की जानी चाहिए। उनका कहना है कि 31 अगस्त 2020 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने सभी बोरोवर को मोरेटोरियम के लिए घोषणा की थी, उन्होंने मोरेटोरियम लिया भी था और ये जो स्पेशल रिलीफ थी कोविड 19 के दौरान थी जो 31 अगस्त 2020 तक मोरेटोरियम फिनिश हो चुका था। तो जब भी आगे जो एनपीए के ऊपर रोकथाम लगे, एनपीए का जो एंट्री मोड हटेगा तो हम लोग जितना भी अपना एनपीए का कैलकुलेशन है 1 सितंबर 2020 से करेंगे। यानी आप इधर क्लियर देख सकते हैं कि अगर 1 सितंबर 2020 से एनपीए कैलकुलेट होता है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी नवंबर में ही बहुत सारे लोगों के एनपीए अकाउंट हो जाएंगे। और जबकि बोरोवर ने अपना पक्ष रखा था, बोरोवर का कहना है कि जो एनपीए के ऊपर जब भी सुप्रीम कोर्ट अपना एंट्री मोड हटाती है तो एनपीए अप्रैल से कैलकुलेट जाना चाहिए, जो जहां तक सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है उस तक एनपीए कैलकुलेट नहीं होना चाहिए। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का एंट्री मोड इससे हटता है तो एनपीए अप्रैल से कैलकुलेट होना चाहिए, यानी अप्रैल, मई, जून, जून में जाकर अकाउंट एनपीए होने चाहिए। और अभी सुप्रीम कोर्ट भी इसी के रुख में है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट अपना जो एंट्री मोड वापस लेती है तो जो एनपीए का जो कैलकुलेशन टाइम है 1 अप्रैल से ही कैलकुलेट किया जाना चाहिए ताकि बोरोवर्स को कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन इंडियन बैंक एसोसिएशन और जो दूसरी बैंकिंग इंस्टीट्यूट है या फाइनेंशियल जितने भी हमारे डिग्निटरीज हैं हमारे देश में, उनका कहना है कि 1 सितंबर 2020 से ही एनपीए कैलकुलेट किया जाना चाहिए ताकि हम लोन को क्लासिफाइड कर सके। लेकिन बरोवर और सुप्रीम कोर्ट का भी रुख दिखाई दे रहा है कि जो एनपीए कैलकुलेशन है 1 अप्रैल के बाद ही किया जाना चाहिए, क्योंकि इधर तक तो सुप्रीम कोर्ट ने रिलीफ दी है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड अकाउंट है वो एनपीए में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो दोस्तों ये फाइनली इधर प्रॉब्लम एनपीए के ऊपर भी बहुत बड़ी जो जिंग छिड़ चुकी है। बैंकों का कहना है कि एनपीए सेप्टेंबर से कैलकुलेट करेंगे, बरोवर का कहना है कि जो एनपीए हम इधर से 1 अप्रैल से कैलकुलेट होना चाहिए तभी हमें रिलीफ मिल पाएगी। तो इधर 31 जो मार्च 2021 है इधर तक फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोस्तों लगभग क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जहां तक रिपोर्टें आ रही है आप लोग न्यूज में भी देख सकते हो। तो जो एनपीए के ऊपर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि एनपीए कैलकुलेशन कब से होगा, अगर एनपीए दोस्तों 1 सितंबर से कैलकुलेशन होगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी जिन लोगों ने लोन नहीं भरे हैं, और अगर 1 अप्रैल 2021 से कैलकुलेट होता है तो इधर बहुत बड़ी रिलीफ मिल सकती है बोरोवर को। तो इसी में उलझा हुआ है पूरा मैटर कि सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल डिसीजन है कब तक आए, क्योंकि जो बाद में रिट पिटीशन डाली गई थी सुप्रीम कोर्ट ने जब सितंबर में अपनी सुनवाई खत्म की थी तो उसमें बोला गया था कि अगर बोरोवर के कोई पॉइंट है या कोई एडवोकेट के कोई पॉइंट है तो उसमें लिखित में मेंशन कर सकता है, रिटर्न एप्लीकेशन दे सकता है। तो सुनवाई होने के बाद भी रिटर्न एप्लीकेशन दी गई थी एनपीए को लेकर और लगता है कि एनपीए 1 अप्रैल से ही स्टार्ट होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है, क्या एनपीए 1 सितंबर से शुरू होना चाहिए या 1 अप्रैल 2021 से?
प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। तो आशा करते हैं कि 31 मार्च 2021 से पहले सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ जाएगा मोरेटोरियम के ऊपर, मोरेटोरियम इंटरेस्ट वेव के ऊपर, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, साथ में एनपीए के ऊपर, इन सभी के ऊपर फाइनल जजमेंट आ जाएगा 31 मार्च 2021 से पहले। अभी टाइम कुछ नहीं बचा, उसके बीच में भी आ सकता है। तो पूरा जैसा भी कोई भी अपडेट आएगा मैं इस वीडियो के थ्रू आपको पूरा क्लियर करने की कोशिश